दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ देखिए आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 महीने तक का गेहूं ऐसे सभी पात्र परिवारों के लिए दिया है राजस्थान सरकार को लॉकडाउन की अवधि के कारण से जिनके घरों में परेशानी हुई है सबको ई मित्र पर रजिस्ट्रेशन कराना था। अजमेर के ऐसे लगभग 58,000 लोगों ने ई मित्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराया है। सरकार की तरफ से सभी को ये मैसेज डाला गया और ये वाहवाही ली गई कि राजस्थान सरकार ई मित्र के माध्यम से ऐसे 58,000 अजमेर के परिवारों को खाद्य सामग्री वितरित करेगी 12 तारीख से। आज 12 तारीख की बजाय 13 तारीख हो गई है। मैं इस राशन की दुकान पर खड़ी हूँ, महेंद्र माथुर जी की राशन की दुकान है और मैंने इनकी दुकान का भी निरीक्षण किया है, इनके गोडाउन का भी निरीक्षण किया है। इनको अभी तक खाद्यान्न पहुँचा ही नहीं है, DSO की तरफ से अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है। कल भी दिन भर ऐसे बहुत सारे लोग परेशान हुए और वो निराश होकर के घर लौटे। आज भी मेरे पास देखिए ये 2 राशन कार्ड है, बाकी पीछे जो लोग खड़े हैं वो राशन कार्ड वो लोग भी राशन लेके आए हैं। ये BPL का राशन कार्ड है, जो हमारे BPL के राशन कार्ड में गंगाराम जी का राशन कार्ड है जी। ये गंगाराम जी के राशन कार्ड BPL होने के बावजूद इनको गेहूं नहीं मिल रहा है, जबकि व्यवस्था यह है कि किसी भी राशन की दुकान से ये राशन ले सकते हैं, लेकिन फिर भी इनको राशन नहीं मिला है। ये दूसरा जो राशन कार्ड है वो राशन कार्ड शंकर जी गौड का है। शंकर जी गौड का रजिस्ट्रेशन नंबर जो ई मित्र पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया उसकी स्लिप भी है, इसके बावजूद भी वो कल पूरे दिन भर चक्कर लगाए हैं और लगा करके निराश होकर के घर बैठ गए हैं। ये सरकार समय पर भी व्यवस्था नहीं कर पाई और ऐसे हजारों लोगों को परेशान कर रही है। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री जी ने ये गेहूं दिया है, सिर्फ इस सरकार को बांटना भर है, लेकिन बांटने की भी व्यवस्था ये सरकार ठीक प्रकार से नहीं कर पा रही है। ऐसे अजमेर के हजारों लोग खाद्यान्न को तरस रहे हैं। इस सरकार को मैं क्या कहूँ, यदि मैं कहती हूँ तो कुछ कांग्रेस के लोग कहते हैं सरकार की भर्त्सना कर रहे हैं। अब कांग्रेस के लोग जाकर के देखें दुकानों पर कि किस तरह से लोग परेशान होकर के वापस घर लौट रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की सरकार प्रधानमंत्री जी द्वारा जो दिया गया गेहूं है उसकी कालाबाजारी करना चाहती है, वो कालाबाजारी करके रखना चाहती है गेहूं ताकि बाद में अपने नाम से बांट सके। इस वजह से ये हो रहा है। अजमेर में चूंकि विधायक अनीता बधेल है और वो भारतीय जनता पार्टी से चुनी गई है, चूंकि उत्तर दक्षिण में देवनानी जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जीते हैं, इसलिए अजमेर में ये राशन को नहीं बांटना है। केकड़ी में राशन बट रहा है तो केकड़ी संभाग का मुख्यालय अजमेर होने के बावजूद अजमेर में राशन नहीं बट रहा है और केकड़ी में राशन बट रहा है। और अभी जो आने वाला राज्यसभा का चुनाव है उस चुनाव में निर्दलीय जो हमारे विधायक है किशनगढ़ के, उन निर्दलीयों का वोट लेने के लिए उन्होंने किशनगढ़ की राशन की दुकानों पर बांटना शुरू कर दिया। तो अजमेर के लोगों का क्या दोष है? अजमेर के लोगों से मुख्यमंत्री इस तरह से राजनीति करेंगे क्या? यदि इस तरह से राजनीति करेंगे तो अजमेर के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आज चुनौती देती हूँ कि अजमेर की प्रत्येक राशन की दुकान पर जब तक एक एक व्यक्ति को गेहूं नहीं मिल जाएगा, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया गेहूं है, इसलिए जब तक आम व्यक्ति इसका पात्र व्यक्ति जिसने रजिस्ट्रेशन कराया है उसको गेहूं नहीं मिलता, तब तक हम ये जंग जारी रखेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया गेहूं 2 महीने का दिया जाएगा, क्योंकि 1 महीने का उन्होंने पहले अलॉटमेंट कर दिया, वो बढ़ चुका है, अब ये 2 महीने का गेहूँ दिया जाएगा, इसलिए पर यूनिट 10 किलो के हिसाब से ये गेहूँ का वितरण होगा। कई राशन के दुकान के भाइयों को भी मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि इस लॉकडाउन की अवधि में वो भी जनता का साथ दें और जो गेहूँ आया है वो पूरा का पूरा उस आम व्यक्ति को दें ताकि उसकी घर गृहस्थी चल सके। ये सरकार कतई नहीं बांटना चाहती है, ये दोष मैं लगाती हूँ, ये दोषारोपण मैं सरकार पर करती हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी मीडिया के भाइयों को भी कि मीडिया के भाई भी इस बात को जगह जगह तक पहुँचाए, जन जन तक पहुँचाए कि ये आपके हक का गेहूँ है,
इसलिए आपके हक का गेहूँ निश्चित रूप से आपको मिलेगा। इतना मैं निवेदन करके अपनी बात को समाप्त करती हूँ और आपसे पुनः पुनः आग्रह करती हूँ कि इस बात को जनतन तक पहुँचाने का दायित्व आपका है। आप भी यदि साथ देंगे तो हम कोरोना की इस महामारी में उस आम आदमी के साथ खड़े होकर के उसकी जीवी दिशा को, उसके जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। आपके द्वारा एक मैसेज, भाई साहब एक मिनट शांति रखो, भाई साहब मैसेज आपके द्वारा चलाया गया था थोड़े दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराने का, लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी कराया, उनके पास टेक्स्ट मैसेज मोबाइल में भी आया 12 तारीख से लेकर 17 तारीख तक का, वो नाच और दाले ले चुके हैं। लेकिन अब मजार में एक दुकान ऐसी जिसमें तो नाम ही नहीं है मैडम गेहूँ में, लेकिन वो दे ही नहीं रहा, कल लोगों ने प्रदर्शन भी करा। देखिए मैंने वापस आग्रह किया है, उचित मूल्य की दुकान वाले राशन के भाइयों को मैंने आग्रह किया है कि वो किसी भी तरह से जनता का सहयोग करें और यदि उसके पास खाद्यान्न है तो वो बीपीएल कार्डधारियों को वो खाद्यान्न बांटें, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको भी बांटें। और मेरा सरकार से भी ये कहना है कि वो इस खाद्यान्न को जब तक एक भी व्यक्ति नहीं ले लेता है तब तक बांटता रहे, सिर्फ तारीख फिक्स नहीं करे कि हम 12 तारीख से 15 तारीख तक ही बांटेंगे या हम 12 तारीख से 17 तारीख तक ही बांटेंगे, क्योंकि बहुत लोग जो निराश होकर के लौट चुके हैं उनको वापस लाने की जिम्मेदारी सरकार की है, उनको वापस गेहूं बांटने की जिम्मेदारी सरकार की है, इसलिए सरकार को ये करना चाहिए।